तो 28 साल पुराने एक डबल मर्डर केस मामले में आरजेडी के पूर्व सांसद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहरा दिया गया है। निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिस आरजेडी नेता को दोषी ठहराया गया है, हैरानी की बात यह है कि वो पहले से ही एक मर्डर केस में जेल के अंदर बंद है। आखिरकार वो मामला क्या था और ये डबल मर्डर का मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से 3 बार जेडीयू और 1 बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है। उन पर 1995 में मसरक के एक मतदान केंद्र के पास उस वक्त 47 साल की उम्र के दरोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप था। आरोपों के मुताबिक दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, इसी वजह से उनकी हत्या हो गई। मृतक के भाई द्वारा गवाहों को धमकाने की शिकायत के बाद इस केस को छपरा से पटना ट्रांसफर किया गया, जहां इसका ट्रायल हुआ। 2008 में पटना की अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केस के आरोपी नंबर 2 प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार देते हुए कहा कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि केस के बाकी आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 1 सितंबर की तारीख दी है, जिस दिन प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिया गया है। फिलहाल प्रभुनाथ सिंह 1995 के ही एक और मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। दरअसल मसरक के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी, जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि 3 महीने के अंदर अशोक सिंह को मार देंगे, जिसके बाद अशोक सिंह की हत्या उनके घर पर दिन दहाड़े हो गई। इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया। इसी केस में प्रभुनाथ सिंह फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि राजनीति में प्रभुनाथ सिंह पहले आनंद मोहन के साथ थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश से विवाद के बाद 2010 में प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए। फिलहाल वो जेल की हवा खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।